हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, रिया और महेश भट्ट के हमदर्द बन गए हैं बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट जिन्होंने कहा है कि रिया को क्या क्या सहना पड़ रहा है। जी हाँ, कौन है वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट जिन्होंने रिया का समर्थन किया है बताएंगे आपको। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की जाँच नेपोटिज्म के मुद्दे से खिसक कर अब रिया चक्रवर्ती की तरफ घूम गई है। सुशांत सिंह रिया के बॉयफ्रेंड थे और सुशांत के पिता ने रिया पर उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले से ट्रोलर्स के निशाने पर रही रिया अब और भी ज्यादा आलोचनाएं झेल रही हैं। इसी बीच बिग बॉस 13 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री करने वाले तहसीन पूनावाला ने रिया और भट्ट फैमिली का सपोर्ट किया है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुजा गर्ग के ट्वीट के जवाब में तहसीन पूनावाला लिखते हैं कि मैं रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। सोचिए कि रिया पर क्या क्या गुजर रही है, वो क्या सह रही होंगी। सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि भट्ट साहब और दूसरे लोगों पर भी। अब रिया को जहां तहसीन का साथ मिला है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग उन्हें ही सुशांत की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। अब एक्टर के पिता ने भी लोगों की बातों को यकीन में बदल दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत केस में लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मांग करने वालों को झटका दे दिया है। सीबीआई जांच की मांग करने वाले जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि सीबीआई जांच की मांग के लिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जाँच पर लोगों ने नाराजगी जताई है। सुशांत की फैमिली का कहना है कि मुंबई पुलिस अलग ही दिशा में जाँच कर रही है, लेकिन फिलहाल फैंस इस बात को सुनकर थोड़े मायूस हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस इस वक्त मुंबई पहुंच चुकी है और बिहार पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।